फिनटेक कंपनी भारत पे और अश्नीर ग्रोवर के बीच विवाद काफी लंबा सफर तय कर रहा है। अश्नीर ग्रोवर के कंपनी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद अब कंपनी के बोर्ड ने ग्रोवर को सभी पदों से हटाने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने फाइनेंशियल मिसडीड को लेकर ग्रोवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाली है। कंपनी की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि ग्रोवर अब कर्मचारी, निदेशक या संस्थापक नहीं है। भारत पे ने यह भी कहा है कि उनका परिवार वित्तीय गड़बड़ियों में शामिल था। भारत पे ने आरोप लगाया है कि सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर के परिवार और उनके संबंधियों ने कंपनी के कोष का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है। पिछले करीबन 2 महीने की कंट्रोवर्सी के बाद इस कहानी में ये नया मोड़ मंगलवार को तब आया जब अश्नीर ग्रोवर ने खुद कंपनी से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों की माने तो कंपनी की बोर्ड टीम ग्रोवर से सवाल जवाब करने वाली थी और इसी के ठीक एक दिन पहले ग्रोवर ने एक इमोशनल नोट के साथ खुद ही इस्तीफा दे दिया। उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को हाल ही में कंपनी से टर्मिनेट किया गया था और इसके बाद अब अश्नीर ग्रोवर ने लंबा पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में उन्होंने कई इमोशनल बातें की और मौजूदा बोर्ड को चैलेंज भी किया। ग्रोवर ने रिजाइन करते हुए लेटर में कई भावुक बातें की थी और मौजूदा बोर्ड पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने लिखा था, मैं दुख के साथ ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कंपनी बनाई मुझे उसी को छोड़ना पड़ रहा है। हालांकि मुझे इस बात का गौरव है कि आज भारत पे फिनटेक की दुनिया में लीडर है। इस साल की शुरुआत से मुझे और मेरे परिवार को आधारहीन बातों में उलझाया गया। आपको बता दें कि ग्रोवर तब से विवाद में है जब कोटक महिंद्रा बैंक के स्टाफ के साथ उनका अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के मामले में नाम सामने आया था। उसके बाद माधुरी जैन ग्रोवर को कंपनी से बर्खास्त किया गया और अब ये घटनाक्रम इतना आगे पहुंच चुका है। आईएनएस रिपोर्ट।